Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की, जिसमें कि हमने बात कर ली डिस्टेंस एजुकेशन का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया. अब हम बात करेंगे जो रह गया डिस्टेंस एजुकेशन में जानने से, एजम्पशंस, नीड एंड स्कोप. वो कौन सी मूलभूत मान्यताएं हैं जिस पर दूरस्थ शिक्षा आधारित है, आवश्यकता क्या है दूरस्थ शिक्षा की और इसका विषय क्षेत्र क्या है. ओके, सो द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एंड इट मस्ट बी यूजफुल फॉर इन जनरल योर नॉलेज एंड एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन फॉर BA, MA एंड BA DMED कोर्सेज एंड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. एजम्पशंस, मान्यताएं क्या हैं, कौन सी वो मान्यताएं हैं जिस पर कि डिस्टेंस एजुकेशन आधारित है. तो डिस्टेंस एजुकेशन कहता है कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड लर्निंग टू दोज हु आर नॉट सर्व्ड इन द ट्रेडिशनल सेटिंग एंड इनहेंसेस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर नॉट सर्व्ड बाय द ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स ऑफ लर्निंग. वो कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा है, वो शिक्षा और अधिगम प्रोवाइड करता है किनको किनको, जो ट्रेडिशनल सेटिंग में नहीं पढ़ पाए, या उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम ऑफ लर्निंग से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं. डिस्टेंस लर्निंग शुड बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक टूल टू सपोर्ट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल मिशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मिशन को सपोर्ट करता है. डिस्टेंस लर्निंग एक स्ट्रेटेजिक टूल है उसके लिए. डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड फर्दर एड्स द एक्सपेंशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन सेवरल वेज. देखिए, एडल्ट एजुकेशन उन्हीं के लिए होती है जिनकी पढ़ाई छूट गई, जो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और वो किसी ना किसी व्यवसाय में लिप्त हैं, इसलिए वो नॉर्मल स्कूलिंग नहीं कर सकते और इसलिए भी कि उनकी उम्र निकल गई है, तो उनके लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन की क्यों, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, सेपरेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको आना नहीं है, रोज आपको टाइम नहीं देना है स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया एवेन्यू है. डिस्टेंस लर्निंग ऑफन रिक्वायर्स रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलेबोरेशन एमंग द प्रोवाइडर्स, यानी कि जो प्रोवाइडर हैं, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिसोर्स की शेयरिंग करते हैं और उसका कोलेबोरेशन करते हैं. डिस्टेंस लर्निंग इनकॉर्पोरेट्स इवॉल्विंग एंड इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना डिस्टेंस एजुकेशन कुछ भी नहीं है. आपने जब उसकी हिस्ट्री देखी थी तभी देखा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है, इवॉल्व हुई है, बेहतर हुई है, वैसे वैसे डिस्टेंस एजुकेशन बेहतर होती चली गई है, है ना. क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच बढ़ गई, एक्सेस बढ़ गई बहुत सारे लोगों तक. तो ये इनकॉर्पोरेट करती है, अपने में समाहित करती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को. और डिस्टेंस लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड स्टाफ एंड द लर्नर्स एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स. और ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभावी तब होगी जब आप कुछ नया सीखेंगे. एनी टाइम एनी प्लेस एंड एनी पेस इज द एसेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. किसी भी समय, किसी भी जगह और अपनी गति से, किसी भी गति से, अपनी गति से जब सीखते हैं तो वही डिस्टेंस एजुकेशन का सार है. और डिस्टेंस एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एजुकेशन क्वालिटी एट द ग्लोबल लेवल. देखिए, ये भी कहा जाता है कि जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत कम हैं, प्लस उनकी अपनी एक सीमा है कि कितने लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस क्वालिटी के ले सकते हैं, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन उसको बियर कर सकता है. लेकिन अगर हम वहीं के प्रोफेसर्स का कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन से चला दें, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको कम फीस पे या विदाउट फीस पे या सिर्फ ऑनलाइन होने पे, या हम मटीरियल ही रिकॉर्ड उपलब्ध करा दें या वीडियो ही रिकॉर्ड करा दें उनकी क्लासरूम टीचिंग का, तो ये मतलब ग्लोबली एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा एक की रोल प्ले कर सकता है शिक्षा. ओके, अब आते हैं नीड पे, आवश्यकता क्या है. देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्यों क्यों, क्योंकि जैसे कि पिछला लेक्चर शुरू हुआ था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो पॉपुलेशन जिसको शिक्षा चाहिए वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में संसाधन तो बढ़ नहीं रहे, ना हम उतने सारे विद्यालय खोल सकते हैं, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ना उतने टीचर्स हो सकते हैं, ना हम उनको उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यही डिस्टेंस एजुकेशन की नीड का सबसे बड़ा बेसिक है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रसार कर सकें, और वो जिनको आना भी ना पड़े, है ना.
As a welfare state, the government of India is obliged to provide free education to all children up to the age of 14 years as per Article 45 of the Indian Constitution. ये सभी जानते हैं. To meet this obligation, a number of programs such as the UEE and EFA etc. have been launched. However, the situation is far from satisfactory. In the higher education sector, the situation is no different. मतलब क्या है कि भाई हमने RTE आ गया हमारे लिए, हमने ये कह दिया कि हम सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए सरकार ने UEE चलाया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, लेकिन अभी भी संतोषजनक स्तर से हम दूर हैं. और यही हाल उच्च शिक्षा का भी है. देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन ओवर द इयर्स. जैसे जैसे आप देखेंगे हायर एजुकेशन का आंकड़ा देखिए, आप डेटा देखिए, तो वो डिमांड है जो कि हायर एजुकेशन सीख करने वाले स्टूडेंट्स की है वो बढ़ती जा रही है. तभी तो रेशियो बढ़ रहा है, तभी तो परसेंटेज बढ़ रहा है जो बच्चे हायर एजुकेशन करते हैं. मोर एंड मोर पीपल आर नॉट एबल टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन ड्यू टू वेरियस रीजन. लेकिन बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन तक उनकी एक्सेस नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए वो उतने केपेबल नहीं है कि उनका एडमिशन हो सके, वो इतना समय नहीं दे सकते हैं, वो इतनी फीस नहीं भर सकते हैं, और बहुत सारा किसी के संग कोई दिक्कत है, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की शादी हो गई, कुछ भी, बहुत 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 सारे रीजन. वो हायर एजुकेशन के ड्रॉप आउट के तो इननम्यूमरस रीजन है. In this context, let us discuss the rationale or need of distance education under three specific headings. तो इस परिदृश्य में, इस संदर्भ में हम ऐसे जान सकते हैं कि distance education की need क्यों पड़ी. देखिए, ये तीन खास बातें हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं. Problem of growing numbers and limited access to education. संख्या बढ़ रही है और access सीमित है एजुकेशन तक. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, और जो शिक्षा दी जा रही है वो रेलेवेंट है कि नहीं. तो रेलेवेंस के लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन की जरूरत है. ओके, एक एक को लेके चलते हैं. एक्सेस टू एजुकेशन की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल एक्सपेंशन फ्रॉम 22 यूनिवर्सिटीज इन 1951 टू 1113 इन 2023. आप समझ सकते हैं मतलब कितने गुना बढ़ गया है ना, और मतलब बहुत बड़ा, बहुत. हम जब भी हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं, क्वांटिटी हमने अचीव कर ली है पर हम क्वालिटी में पीछे रह गए. BER has increased to 27.3 from 25.6 in 2019-2020. यानी कि 19-20 में ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, जो रेशियो था बच्चों का जो नामांकन करा रहे थे हायर एजुकेशन में, वो 25.6 था, तो थोड़ा बढ़ा है, 27.3 हो गया है. Still this number is far behind any global average. Global average देखिए 29 है. मतलब हम विश्व के जो हमसे कमजोर, हमसे गरीब देश हैं, उनके मतलब हम नेशनल एवरेज, सॉरी ग्लोबल एवरेज से भी कम है. मतलब हमको इससे तो ऊंचा होना चाहिए ना, एटलीस्ट सब्सटेंशियली लोअर इज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज. अब डेवलप्ड कंट्रीज का आप देखेंगे तब तो मतलब हैरान कर देने वाला आंकड़ा है. यूएसए में 88.2, यानी कि 100 में से हर 88 बच्चा, हर 100 में 88 बच्चा हायर एजुकेशन अचीव कर रहा है. जर्मनी में 70 है, यूके में 60 है. इट इज लो इवन इन कंपैरिजन विद अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज सच एज इवन ब्राजील में 51 है और चाइना में 49 है. मतलब लगभग 50 के आसपास वो लोग हैं, वहाँ आधा हैं हम, किसी तरह 27 पहुंचे हैं, ग्लोबल एवरेज से भी कम है. तो हम इनरोलमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा. डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सच एज दोज ऑफ कौन, वही जो फॉर्मल हायर एजुकेशन नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जैसे रूरल, ट्राइबल एंड अर्बन एरियाज के बच्चे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो नहीं आ पा रही, हु नॉर्मली डू नॉट अटेंड कॉलेजेस ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, नहीं है इतना पैसा कि वो पढ़ने के लिए दे पाए. Women and other disadvantaged groups who due to their social, geographical or physical conditions find it difficult to attend regular colleges. है ना, बहुत दिक्कतें होती हैं जो हायर एजुकेशन में लड़कियां हैं इन जनरल. जो विशिष्ट हैं, अच्छे घरों से हैं, जो हर हालत में पढ़ना चाहती हैं, वो तो बहुत अच्छा एक्सेल कर रही हैं, लेकिन नॉर्मल या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे अगर आ भी जाते हैं लड़कियां हायर एजुकेशन में, बहुत दिक्कतें हैं उनके संग, नहीं कंटिन्यू कर पाती हैं वो अपनी पढ़ाई. सामाजिक रीजन है, उसके भौगोलिक रीजन है, उनके शारीरिक दशाओं के रीजन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं. वर्किंग इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा विदाउट लूजिंग वेजेस एंड टाइम. अगर वर्किंग इंडिविजुअल कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कोई कौशल, कोई क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहता है, तो नौकरी छोड़कर थोड़ी हासिल करेगा, तो उसका घर कैसे चलेगा, है ना. तो वो आप समय मत वेस्ट कीजिए, आप नौकरी मत छोड़िए, आप डिस्टेंस एजुकेशन में इनरोल हो जाइए. ये नीड है इसकी. Quality of education, it is a relative concept.
कौन सा रिलेटिव कंसेप्ट, क्वालिटी रिलेटिव कंसेप्ट है कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। अगर हम बहुत खराब कहीं की क्वालिटी से तुलना कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी जगह से तुलना कीजिए ना। इसीलिए कह रहा है कि क्वालिटी क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है ये एक, मतलब किसी के रिलेशन में ही क्वालिटी की बात की जा सकती है एंड कैन ओनली बी डिफाइंड विद रेफरेंस टू अवर कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी। हमने क्वालिटी के क्या कंसेप्ट बनाया है उसके रेफरेंस में आप बताएंगे ना कि आपके यहाँ क्वालिटी अच्छी है कि खराब। द टर्म क्वालिटी इज बीइंग वाइडली डिस्कस्ड दीज डेज एंड अ कंसिडरेबल डिबेट हैज गॉन इनटू इट। मतलब कि बहुत बात हुई कि क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या होंगे। The definition of quality in higher education can be approached in five different ways. वो कह रहा है कि आप higher education में quality को कैसे define करेंगे, ये पांच तरीके देख लीजिए। Exceptionally high standard है कि नहीं, consistent zero defect, fitness for purpose, यानी कि higher education से जो निकल रहा है बच्चा, जो graduate, जो post graduate, जो scholar आपका, वो purpose solve कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। Value for money और transformative, transformation हो रहा है कि नहीं higher education में, ये सारी बातें इन्हीं के संदर्भ में आप जान लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपका जो हायर एजुकेशन है कितना क्वालिटेटिव है, कितनी क्वालिटी प्रदान करता है। और रेलेवेंस, सम ऑफ द चार्जेस कॉमनली लेवल्ड अगेंस्ट द कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम आर दैट, हम किसके मतलब किसके सापेक्ष इसका रेलेवेंस देखेंगे, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसकी उसकी मतलब उसमें कमी क्या निकलती है जनरली, उस पर जो चार्ज लगाए जाते हैं कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कौन ट्रेडिशनल एजुकेशन कौन से हैं वो। एजुकेशनल प्रोग्राम्स या कोर्सेज ऑफर्ड आर नॉट रेलेवेंट टू द एग्जिस्टिंग सोशल इश्यूज, कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर्ड कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। फिर क्या कहा जाता है, द हाईएस्ट पेड टीचर्स आर टीचिंग होना चाहिए था, सॉरी या रीचिंग भी चलेगा, रीचिंग फ्यूअर एंड फ्यूअर इलिटिस्ट स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि जिस टीचर को मतलब आप इतनी सैलरी देते हैं, इतना बढ़िया सब कुछ हिसाब किताब है, वो कम से कम मतलब इतने कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहिए। द एज ओल्ड क्लास रूम टीचिंग मेथड इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेल एंड इनइफेक्टिव, बेकार हो गया है, अप्रभावी हो गया है जो पुराना क्लास रूम टीचिंग मेथड है, आपको इवॉल्व होने की जरूरत है। रिजिडिटी रिगार्डिंग कोर्स ड्यूरेशन, क्लास रूम अटेंडेंस एक्सेट्रा रिमेन अनचैलेंज्ड, अभी तक हम वही कितने टाइम की क्लास लगेगी, कितने टाइम छूटेगी, क्लास रूम में अटेंडेंस कहाँ है, ये सब ये इसी सब में जूझते हैं, इतना रिजिड हैं हम उसको लेके। और बेनिफिट्स ऑफ हायर एंड बेटर एजुकेशन कंटिन्यू टू बी एंजॉयड बाई ए प्रिविलेज्ड फ्यू, बहुत थोड़े से लोग हैं विशेषाधिकार जिनको प्राप्त है, जिनके पास धन है, सब कुछ है, सिर्फ वही हायर और बेटर एजुकेशन का लाभ ले पा रहे हैं। ये चार्जेस लगते हैं कन्वेंशनल एजुकेशन एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ, तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या कर रहा है, इससे उबार रहा है आपको। These valid criticisms are the result of the mismatch between socio-economic and academic needs and the conventional educational system as it exists today. बार बार ये बात होती है, मैं कहती हूँ कि जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और जो समाज की एकेडमिक सोशियो इकोनॉमिक नीड है उसके बीच में मिसमैच, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो वैसा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बना ही नहीं रहा है जिसकी समाज को जरूरत है। तो the present socio-economic environment and industrial development emphasize, यानी कि जो present दर्शा है वो क्या emphasize करती है, वो कहती है need for part-time education with a more flexible arrangement for learning, आप part-time पढ़ाइए जिसमें बहुत flexible arrangement हो, कब आ सकता है, कब जा सकता है, नहीं आ सकता है, क्या है। need for specialized courses for those who are in service, जो in service है मतलब service में है, जो कार्यरत हैं उनके लिए आप specialized courses बनाइए ताकि वो और skilled हो सकें और knowledgeable हो सकें। Need for intellectual stimulation on the part of the adults. Adult हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसे courses हो सकते हैं जिससे intellectual stimulation हो उनका, कुछ समसामयिक मुद्दों उनका उनकी awareness जागृत करने के लिए। Need for certification without undergoing the formalities of conventional system. हम conventional system की formality में नहीं पढ़ना चाहते, उसके बावजूद हमको certificate मिल जाए। और the distance education system has the potential to facilitate provision for all the above needs and demands. तो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के पास ये पोटेंशियल है कि वो ये सब कर सकती है, पार्ट टाइम एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और सर्टिफिकेशन विदाउट अंडरगोइंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम। तो ये इसकी रेलेवेंस है, इसकी डिस्टेंस एजुकेशन की। और क्या है, मोर टूल्स फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है हमारे पास और बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। क्लासरूम एजुकेशन मोर कॉस्टली है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो आपका महंगा है। ग्रेटर सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, अब तो हम न्यू टेक्नोलॉजी को सोशली एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो इसने भी डिस्टेंस एजुकेशन को मदद की है। ग्लोबलाइजेशन ओपेंड अप मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट हैं, किसी को भी कैसे भी जॉब कर सकता है, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, क्या 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 आ गया है। बिजियर लाइफ स्टाइल, अब हमारा लाइफ स्टाइल पहले से ज़्यादा व्यस्त है।
सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन इज मोर इफेक्टिव. अब तो आप स्वनियंत्रित शिक्षा, स्व केंद्रित शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है. एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञान है, कितना भी आप जानिए तब भी जानना रह जाएगा कुछ ना कुछ जो आपको नहीं आता हो, कितना भी जानिए. जैसे आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हम सबको कन्वेंशनल सिस्टम से शिक्षित नहीं कर सकते, और इजी डिस्टेंस एजुकेशन तक पहुंच जो है आसान है. तो ये सारा इसका मैटर है जो रेलिवेंट बनाता है डिस्टेंस एजुकेशन को. और स्कोप, विषय क्षेत्र क्या है इसका, डिस्टेंस एजुकेशन एट प्रेजेंट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड स्कोप टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स. इतने तरीके के इंडिविजुअल्स तक इसका स्कोप है, और भी हो सकता है, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल एजुकेशन, वो बच्चे जो कन्वेंशनल एजुकेशन तक जिनकी पहुंच नहीं है, हु आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, जिनके आसपास शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, कमी है, हु कुड नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन, वो बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कंटिन्यू कर सकते, वो जो हु आर अनएम्प्लॉयड एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम देयर होम्स इटसेल्फ, जो बेरोजगार हैं लेकिन चाहते हैं घर से ही शिक्षा की व्यवस्था हो जाए ताकि अपना काम धंधा भी करते रहें, हु आर एम्प्लॉयड एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो जो रोजगार में तो हैं लेकिन चाहते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इम्प्रूव कर सकें, हु वॉन्ट टू परस्यू जनरल वोकेशनल और प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन आउटसाइड कन्वेंशनल सिस्टम, और कुछ लोग जो चाहते हैं कि वो जनरल वोकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर लें लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम से नहीं, और वो जो फिजिकली इकोनॉमिकली ज्योग्राफिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज हैं और उनके जैसे हैं, एंड हु आर एंगेज देमसेल्व इन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एंगेज हैं और नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मल हायर एजुकेशन नहीं अटेन कर सकते, नहीं उसको पूरा कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, उन सब तक डिस्टेंस एजुकेशन का स्कोप है. ठीक है, तो डिस्टेंस एजुकेशन का आप कंसेप्ट जान गए, मीनिंग जान गए, डेफिनेशन जान गए, हिस्ट्री जान गए, अजम्पशंस जान गए, नीड जान गए. नीड में भी हमने एक्सेस टू क्वालिटी पढ़ा, फिर हमने पहला वो पढ़ा प्रमोशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और बहुत लोग प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और सब तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वो, फिर एक्सेस टू एजुकेशन, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रेलेवेंस, और उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इन टोटेलिटी मुझे लगता है अब आप डिस्टेंस एजुकेशन को बेहतर समझ गए होंगे. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस मोर वन मोर टॉपिक ऑन डिस्टेंस एजुकेशन. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.